सिर्फ बड़े बड़े रईसों और वीआईपी लोगों को ही आसमान में उड़ने का लुत्फ क्यों मिले? मेरे देश का गरीब, मेरे देश का हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी क्यों ना हवाई जहाज में बैठकर अपने सपनों को साकार करे? ये सोच भारत के उस प्रधानमंत्री की है जिसने उड़ान की उड़ान से आम और खास के बीच के इस फर्क को तो कम से कम खत्म ही कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल का नतीजा आपके सामने है। घरेलू हवाई यातायात में जून में सालाना आधार पर 7.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ यानी IATA के मुताबिक जून 2018 के मुकाबले 2019 में वैश्विक हवाई यातायात में जून में 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। जून में सालाना आधार पर 7.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। मोदी सरकार ने हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण, नए एयरपोर्ट के निर्माण और देश के छोटे शहरों को नए हवाई मार्गों से जोड़ने का जो काम किया है और जो चल रहा है, उसने देश के आम आदमी के उड़ान भरने के सपने को सच कर दिखाया है। भारत ने एविएशन मार्केट में लगातार 4वें साल दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की है। IATA की ही रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में ये बढ़ोतरी 18.6% रही, जबकि चीन 11.7% की ग्रोथ के साथ दूसरे नंबर पर रहा। भारत में आज ट्रेन के AC डिब्बों में जाने वाले यात्रियों से कहीं ज्यादा यात्री हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। ये मोदी सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि देश का एविएशन सेक्टर आज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है।